फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग मी। मेरा कैरेक्टर मैं आतिश पाठक का किरदार निभा रहा हूँ इस शो में। आतिश पाठक निर्मल के छोटे भाई हैं, समझ लीजिए हम लक्ष्मण हैं और वो हमारे राम हैं। और उसके अलावा अगर कैरेक्टर की बात करूँ तो आतिश जैसा नाम है उसका, वो जहाँ जाएगा वहाँ आतिशबाजी होगी। बहुत ही डोमिनेंट है, अपने ग्रुप का लीडर है, चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं, नेताजी का टिकट मिलने वाला है। अगर उसका ग्राफ ये नहीं होगा, उसका ग्राफ ये होगा, काफ़ी सारे हाईज एंड लोज। सलमान भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं, दबंग है बिल्कुल, भैया से बहुत प्रेम करते हैं, अपने अपने भैया से बहुत बहुत ज़्यादा। वापस आ रहे हैं 24 साल बाद, फैमिली आतिश की कंप्लीट हो रही है, बचपन से कहानियाँ सुनी है बड़े भैया की, अब निर्मल भैया गांव वापस आ रहे हैं तो इससे और खुशी की बात नहीं हो सकती। पहला जो कहानी जब सुनी थी, जब पहला ड्राफ्ट सुना था तो रूट से कनेक्टेड है, स्लाइस ऑफ लाइफ है। OTT में स्लाइस ऑफ लाइफ आजकल ज़्यादा देखा नहीं जाता। जब कहानी सिनॉप्सिस सुनाया गया था तो ये कोई कहानी वैसी नहीं है कि अच्छा ये सस्पेंस है, ये ऐसे ये वो है, वैसी कोई कहानी नहीं है। बहुत ही स्वीट, बहुत ही टचिंग होम कमिंग अबाउट फैमिलीज, कोई भी एज ग्रुप देख सकता है और इसको एंजॉय कर सकता है। 5 एपिसोड्स का शो है, बिंज वॉच कर सकते हैं बिल्कुल देख के। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट इट विल वर्क। मैं इसमें बिहार बक्सर का लड़का प्ले कर रहा हूँ, हालांकि मैं हूँ मुंबई से। बिहार से मेरा ऐसे कोई कनेक्ट रहा नहीं है, बट मैं राजू श्रीवास्तव का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था इन अर्ली 2000s, एंड वो गजोदर भैया वाले उनके जो स्किट थे वो मैंने रटे हुए थे और मैं स्कूल में करके दिखाता था सबको। सो दैट्स हाउ आई गॉट डायलेक्ट। और उसके बाद मैंने एक मूवी की थी हाफ गर्लफ्रेंड 2016 में, तो उसमें भी मैं बिहारी लड़का सीन स्टीफन्स में, वो अर्जुन कपूर, विक्रांत मैसी, मैं और हम चार जो दोस्त बने थे उसमें, उस टाइम भी वर्कशॉप हुआ था, तो पहले से वो लहजा उसकी समझ थी। इस शो में हमने 1.5 महीना लिया इसके प्रेप को लेके, और राहुल जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने डायरेक्ट भी किया है, वो खुद वहाँ से हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया क्योंकि वो मेरे साथ होते थे और मैं हर एक शब्द उनसे बार बार पूछता था। और मेरे जो को एक्टर्स, मेरे जो फ्रेंड्स बने हैं शो में, उसमें से 2-3 लोग हैं जो बिहार से ही हैं, तो मैं उनको कहता था मैं कोई ऐसी लाइन बोल दूँ, अगर आप लोगों को लगे कि ये मैंने थोड़ी ऊपर नीचे बोली तो प्लीज़ मुझे वहीं कनेक्ट कर ले, वहीं तुरंत मुझे करेक्ट कर लेना। हम होटल में भी जाते थे शूट के बाद, पैकअप के बाद, तो हमने ये पैक्ट बना लिया था कि हम बिहारी में ही बात करेंगे। तो 1 महीना मैं आतिश ही था, वैसा मेरा प्रेप रहा था इसके लिए। द स्टोरी इट्सेल्फ, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस शो, आई हैड वन मोर शो एंड इट वाज कमर्शियली बिग, बट इट वाज द स्टोरी जिसने मुझे ये बिलीव किया कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्टोरीज की ज़रूरत है इंडिया में। ऐसी स्टोरीज़ आज के जो यंगस्टर्स हैं आप देखते हैं, घर छोड़ के कोई जॉब के लिए जाता है, कोई कहीं जाता है, बट समवेयर वी सी दैट दैट कनेक्ट इज़ बीन लूजिंग फ्रॉम द फैमिली। सो मुझे ऐसे लगा नहीं मुझे ये करना चाहिए, और ऐसा किरदार, इतना स्ट्रॉन्ग किरदार आतिश का इस शो में है, तो मुझे लगा शायद ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। और आई रियली होप मैं जस्टिफाई कर पाया हूँ और ऑडियंस को भी वो मैं बिलीव करवा पाऊँ। बिल्कुल करेंगे, हम देखते हैं, गांव तो ठीक है, शहरों में भी हम देखते हैं मेल डोमिनेंस बहुत रहता है, बहुत सारे घर आज भी ऐसे हैं जहाँ पे औरत पहले सबको खिलाती है घर पे खाना और एंड में वो खुद खाती है। ये चीज़ें हम इक्वालिटी की हमेशा बात करते हैं, बट वो सिर्फ बातें ही होती हैं, बट जितना भी देखो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो बहुत प्यारी कहानी है और इसके थ्रू ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा सब तक। और सोनी लिव हैज़ बीन डूइंग दिस, हैज़ बीन चेंजिंग स्टोरीज, दे आर कमिंग विद दी स्टोरीज, तो आई रियली वांट टू थैंक सोनी लिव कि उन्होंने ये कहानी अप्रूव की और ये शो हम ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। अरे बहुत मज़ा आया, क्योंकि पता नहीं ये चीज़ सही है या नहीं, राहुल जो जिन्होंने डायरेक्ट भी किया है वो मैं उनको डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर मैं उनको उस अहदे पे नहीं, मैं दोस्त मानता हूँ उन्हें अपना। हम इतनी मज़ा, मतलब मुझे, हम जब, जैसे मैंने बताया, हम सेट के बाद भी आके बैठते थे, हमारा फिक्स था कि हम रूम में बैठते ही थे रोज़ रात में, बातें आज भी हमें आते हैं, डबिंग कभी होता है कभी क्या होता है, हम मिलते ही, हम बैठते ही हैं। और 1 महीना हम एक गांव में हम शूट कर रहे थे,
कोई और कुछ लाइफ ही नहीं थी, बस वही था, वही इर्द गिर्द थे सारे। बहुत मज़े किए हमने शूट के दौरान। ये सबसे बड़ी चीज़ रही, इस कैरेक्टर को भी हेल्प मिली कि वो नहीं लगा कि ये अच्छा ये डायरेक्टर है, ये प्रोड्यूसर है, इससे ऐसे बात करनी। वैसे सारे चिल, सारे ऐसे ऐसे लगता था जैसे ये मेरे पैसे लगे हुए हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे ऐसे लगता था। सब सारे जो थे ना वो सारे ऐसे लेके चलते थे कि ये उनका प्रोजेक्ट है। सो ये सबसे, क्योंकि हम दूसरे सेट पे अक्सर देखते हैं एक्टर्स आते हैं, वो अपना अपना काम करके सब फिर चले जाते, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं सेट पे। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ सब बिल्कुल डटे हुए थे अपने काम को लेके। सो ये बहुत मेमोरीज है इस प्रोजेक्ट को लेके। फनी मोमेंट ऐसे तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट आई वुड से वो गाय का दूध निकालना हम सीख रहे थे क्योंकि वहाँ से थे, तो बड़ा फनी था क्योंकि मैंने इसके पहले एक बार मैं शूट कर चुका हूँ एक शो में, तो मैं बड़ा ऐसा था कि अरे हाँ मैं तो, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है, मैं तो एक ऐसे कर लूँगा। फट गया तो वहाँ पता लगा कि सब हर गाय सेम नहीं होती, सब अलग होते। तो ये मुझे एक फ़नी इंसिडेंट याद है। एक तो खाना पीना, और हम दिसंबर जनवरी में गए थे तो काफ़ी ठंड, वो सुबह सुबह खेत के ओस, और आई गेस जो शहर से चीज़ें मुझे जो अलग लगती हैं वो यही था, एक फूड एंड अबाउट द विलेज, अबाउट द नेचर। दोपहर के टाइम में भी अगर धूप के नीचे बैठते थे तो मज़ा आता था, बर्ड्स के आवाज़ इतने क्लियर नहीं सुने कभी यहाँ पे जितना वहाँ पे जाके बैठ के सुना। सो नेचर आई वुड से फॉर श्योर। लुक इनिशियली जब बातें चल रही थी कि कैसा रखेंगे लुक क्या क्या, तो अक्सर दूसरे वेब शोज़ में कहीं पे भी हम देखते हैं वो स्टाइल लुक डिफरेंट होता है कि अच्छा इसके बाल ऐसे कर लेंगे, इसके ऐसे। इसमें कुछ नहीं, मुझे कहा गया आपको, आप जितना रॉ दिख सकते हो, आप जितना नेचुरल दिख सकते हो, आपको वैसे दिखना है। बाकी तो जैसे वो चुनाव में खड़ा होने वाला है तो उसका एक था कुर्ता, या कहीं को हाथ में सलमान का ब्रेसलेट पहना, एक टैटू भी है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो ये सब इस कैरेक्टर को और लाइवली बना लेता है लुक को लेके। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस दुनिया में नहीं रहे इरफान सर, इरफान खाना, आई फील ही इज़ गॉड टू मी। आई मीन उनकी पिक्चरें मैंने जितनी भी मैं देख पाया, मैं दोबारा देखता हूँ, मैं बार बार देखता हूँ, एंड आई ऑलवेज फील दैट कि ऐसा क्या कर जाते हैं वो। बहुत जन कहते हैं वो बहुत इजीली बोल जाते थे ऐसे, बट वो इजीली बोलना वो आसान, एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट नॉट एक्टिंग, एंड आई गेस ही वॉज द वन जिन्होंने जस्टिफाई किया था। और हर किरदार में बहुत सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट वो एक स्पेसिफिक उनका लगता है कि वो सेम ही है, वैसे ही है। इरफान सर को जब देखो स्क्रीन पे तो ऐसे लगता था यार ये बिल्लू बार्बर भी कर लेते हैं, ये जुरासिक पार्क भी कर लेते हैं। सो आई मिस द आउट आई गेस, आई रियली वांटेड टू वर्क विद इरफान सर। फैंस तो फीस फैंस मत कहिए, मैं आकाश अब दोस्त आप मुझे बोल सकते हैं। यही बोलूँगा कि बहुत एक अच्छी कोशिश की है हमने। ऐसे वेब शोज़ अगर आप देखेंगे और ये वर्क हुए ऐसे वाले वेब शोज़, तो ऐसे वेब शोज़ और बनेंगे। तो आई रियली वॉन्ट यू गैस टू वॉच इट, नॉट बिकॉज आई एम सेइंग, आई जस्ट वॉन्ट यू टू ट्राई इट फर्स्ट। और आपको खुद ही पहला एपिसोड जब आप देखेंगे तो खुद ही मज़ा आ जाएगा आपको। तो 27th में निर्मल पाठक की घर वापसी, कमिंग ऑन सोनी लिव, प्लीज़ टू वॉच इट।